बाद में वाराणसी, उज्जैन व मथुरा में भी वेदशालाएं बनवाई गई। इस प्रकार का संकेत भी मिलता है कि उन्होंने अपनी नई राजधानी जयपुर के राजमहल के निर्माण के समय उसकी धुरी का कुंभ खगोलीय उत्तर दिशा के कुंभ से मिलवाया। जयपुर के इस जंतर मंतर में 18 कुंभ कार्यान्वित यंत्र धूप घड़ी को साधारण चित्रों से समझे। दिन भर में सूर्य की स्थिति के अनुसार हमारी परछाई बदलती रहती है। सुबह सूरज पूर्व में होता है तो हमारी परछाई पश्चिम की तरफ पड़ती है। दोपहर को जब सूरज ठीक हमारे सिर पर दमकता है तो हमारी परछाई हमारे ठीक नीचे पहुंच जाती है, और जब सूरज पश्चिम में होता है तो यही परछाई पूरब की तरफ पसरती चली जाती है। अगर इस परछाई को हम एक गोलाकार आकृति की पट्टी पर रख दें ताकि परछाई बराबर गति से घूमती रहे, तो हम दिन में कभी भी किसी भी समय का अनुमान लगा सकते हैं। धूप घड़ी हमारे इसी काम में मदद करती है। धूप घड़ी पर लगे चिन्हों से सुबह से शाम तक का समय सहजता से पता किया जा सकता है। ये पट्टी जितनी बड़ी होगी समय की जानकारी उतनी सूक्ष्म व सही होगी। लघु सम्राट यंत्र में हम मिनट के 20वें सेकंड तक को देख सकते हैं, और बृहद सम्राट में हमें 2 सेकंड की भी जानकारी मिल जाती है। इस बृहद यंत्र की सीढ़ियां उत्तरी ध्रुव तारे की सीध में ऊपर जाती हैं, यानी इन सीढ़ियों की सीध धरती की उत्तर दक्षिणी धुरी के समानांतर है। नीचे का हिस्सा एक बड़े घेरे का आधा हिस्सा है। अगर ये घेरा पूरा बना दिया जाए तो सीढ़ियां इसके बीच में आ जाएंगी और ये धरती की भूमध्य रेखा को दर्शाएगा। इस तरह ये यंत्र दरअसल हमारी धरती की एक नकल है। सीढ़ियों की ढलान का कोण धरती पर इस यंत्र की जगह के अक्षांश पर निर्भर करता है। जयपुर में इन सीढ़ियों का कोण 27 डिग्री है और धरती पर जयपुर का अक्षांशीय कोण भी 27 डिग्री ही है। हमारी धरती भी अंतरिक्ष का हिस्सा है, जिसके आकाश मंडल के तारे एक गोले में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इसे हम खगोलीय गोला कहते हैं। हर राशि के लिए एक अलग यंत्र है और इन यंत्रों की सहायता से हम इन राशियों की आकाश में स्थिति का अनुमान लगाते हैं। इन्हें हम राशि वलय यंत्र कहते हैं। हमारी 12 राशियां सूर्य के काल्पनिक मार्ग पर होती हैं और आकाश को 12 बराबर भागों में बांटती हैं। रात के अंधेरे में हमें इस राशि पट्टी के सिर्फ एक भाग की राशियां नजर आती हैं और दूसरे भाग की राशियां सूरज के उजाले में छिप जाती हैं। साल भर में सूरज जैसे जैसे सभी राशियों के सामने बारी बारी आ जाता है, वैसे वैसे हम बाकी राशियों को भी रात के अंधेरे में देख पाते हैं। इससे हमें महीने और साल पूरे होने का हिसाब भी मिल जाता है। धरती की धुरी पर घूमने के कारण दिन में ये राशियां हमारे ठीक ऊपर आ जाती हैं। सिर्फ उस समय हम राशि वलय यंत्र से उनकी स्थिति का अनुमान लगाते हैं। यहां के हर यंत्र का अपना महत्व है। ये राम यंत्र जयसिंह की वैज्ञानिक सूझबूझ का प्रमाण है। इससे हम किसी भी तारे या ग्रह की स्थिति यानी दिशा और ऊंचाई जान सकते हैं। सही गणनाएं लेने के लिए इसे 2 भाग में बनाया है ताकि इनमें खड़े होकर आसानी से गणनाएं ली जा सके। समझने के लिए सूरज का ही उदाहरण ले लीजिए। दिन भर में सूरज की स्थिति के अनुसार राम यंत्र के शंकु की परछाई की दिशा और लंबाई बदलती रहती है, जो एक समय पर एक ही अंश पर दिखती है और हमें सूरज की स्थिति का प्रत्यक्ष माप दे देती है। इस यंत्र में 2 पैमाने हैं। एक पैमाने पर उत्तर की ओर से दिशा मापते हैं और दूसरे पैमाने से हम जमीन से उसकी ऊंचाई। इसकी सतह सपाट होने के कारण परछाई बराबर गति से नहीं चलती। अगर इन्हीं सतहों को एक गोलाकार रूप में ढाल दिया जाए तो हमारे पास एक समतल सतह आ जाती है। इसमें दिशा और ऊंचाई के दोनों पैमाने लगातार चलते।
चलते हैं और गणना ज्यादा सटीक और आसान हो जाती है। यही प्रयोग जयप्रकाश यंत्र में किया गया है। वास्तव में जयप्रकाश यंत्र खगोलीय गोले का नमूना है। इस आधे गोले को अगर पूरा कर दिया जाए तो यह खगोलीय गोले को दर्शाता है और इसका शंकु धरती को जो गोले के मध्य में स्थित है। इस यंत्र की मदद से की गई गणनाएं खगोल की वास्तविक स्थितियों का प्रतिबिंब होती है। मानो खगोलीय गोले को उल्टा करके जमीन पर रख दिया गया हो। गणनाएं आसान करने के लिए इसे भी राम यंत्र के समान दो संपूरक गोल भागों में बनाया गया है। जय प्रकाश यंत्र जंतर मंतर का सबसे पूर्ण यंत्र है, जो राजा जय सिंह के अपने नाम के अनुरूप है व जिसकी मदद से हम सभी गणनाएं कर सकते हैं। या यूं कहिए कि सम्राट यंत्र, राशि वाला यंत्र और राम यंत्र की समस्त विशेषताएं मानो इसी एक यंत्र में समा गई है। इस यात्रा में हम सफल बनने के लिए